गाइस वेलकम टू एकेडमी। दिस इज डेली वोकैबुलरी सीरीज, जहाँ पे हम 3500 वर्ड्स में से 20 वर्ड करते हैं हर रोज। आई एम नेहा कपलश। दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी। प्लीज रेट, शेयर एंड रिव्यू दीज लेक्चर्स सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो फाइंड देम। और आप नहीं जानते कि कितनी ज़्यादा मुझे एनकरेजमेंट मिलती है जब मैं आपके अच्छे रिव्यूज एंड रेट्स पढ़ती हूँ। आप मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल को इस एड्रेस पे फॉलो कर सकते हैं। माई यूजर नेम इज नेहा कपलश। और आप मेरे नए YouTube चैनल को भी एक बार चेक कर सकते हैं, उसका नाम है कपलिश टॉक्स। यहाँ पे मैं सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स की समरी करती हूँ और जो बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिवियाज होते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, मैं वो सब उन सब की वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ वो देखें एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फर्स्ट वर्ड देखते हैं, अफिक्स। इट्स अ वर्ब फॉर्म, इट मीन्स फास्टन, अटैच एंड एड ऑन। किसी चीज़ के साथ चिपक जाना या फिर अटक जाना, अपने आप को उसके साथ जोड़ लेना, उसके साथ ऐड हो जाना, यानी कि आप अफिक्स हो गए। यू हैव अफिक्स्ड योर सेल्फ टू दैट थिंग और पर्सन। या फिर जब आप अपनी फ़ोटो को अपने फॉर्म पे चिपका देते हैं, दैट मीन्स यू आर अफिक्सिंग योर फोटोग्राफ टू द फॉर्म। राइट, सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट द रजिस्ट्रार हैड टू अफिक्स हर सिग्नेचर टू द लाइसेंस, देन शी हैड टू अफिक्स हर ऑफिशियल सील। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्लिक्शन। इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस, कॉज ऑफ सफरिंग। कोई आपको जब परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, कोई मतलब तकलीफ की कोई कारण वगैरह कुछ होता है, तो उसको हम बोलते हैं अफ्लिक्शन। ठीक है, कोई भी परेशानी बीमारी उसको बोलेंगे अफ्लिक्शन। इवन इन द मिड्स ऑफ हर अफ्लिक्शन एलिजाबेथ ट्राई टू कीप अप द स्पिरिट्स ऑफ दोज अराउंड हर। मतलब उसकी परेशानी, उसके दुख दर्द, जो उसकी जो बीमारी थी, उसके चलते हुए भी एलिजाबेथ ने दूसरों के जो स्पिरिट्स है उसको ऊपर रखने की कोशिश की। एफ्लुएंस। इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स अबंडेंस या फिर वेल्थ। जो अमीरी होती है, जो मतलब जिसके पास भरपूर होता है, जो मतलब जिस इंसान के पास बहुत कुछ है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है, कोई कमी नहीं है, उसको बोलेंगे कि दैट पर्सन लिव्स इन एफ्लुएंस। एक नाउन है ये, ठीक है। या फिर हम कहेंगे कि दैट पर्सन इज एफ्लुएंट, एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है, फॉरेनर्स आर अमेज्ड बाय द एफ्लुएंस एंड लग्जरी ऑफ द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। मतलब फॉरेनर्स दंग रह जाते हैं कि अमेरिकन इतनी अमीरी में जीते हैं। एफ्रंट। इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स इंसल्ट, ऑफेंस। ठीक है, इंटेंशनल एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। जब आप किसी को जानबूझ के, जब उसको आप इस तरह से कुछ बेइज्जत करते हैं या फिर उसकी इंसल्ट कर देते हैं, दैट मीन्स आप उसको एफ्रंट कर रहे हैं, आप उसको ऑफेंस दे रहे हैं। ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई काम कर दिया जिससे आपकी ईगो हर्ट हो गई, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ एफ्रंटेड यू। ऑलराइट, देखते हैं सेंटेंस क्या है। व्हेन मिसेस प्रूडी वाज नॉट सीटेड बिसाइड द आर्चडीकन एट द हेड टेबल, शी टुक इट एज अ पर्सनल एफ्रंट एंड रिफ्यूज टू स्पीक टू हर होस्ट फॉर अ वीक। इसका मतलब क्या है कि जब मिसेस प्रूडी जो है वो आर्चडीकन के पास नहीं बिठाई गई, तो उसने इसको अपनी बेइज्जती की तरह ले लिया और बाकी अपने होस्ट से बात करने के लिए मना कर दिया आने वाले वीक्स के लिए। ठीक है, फिर इसको हम वर्ब फॉर्म की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने मुझे अफ्रंट कर दिया। ठीक है, इसको मतलब एक क्रिया की तरह भी ले सकते हैं। aftermath या फिर aftermath, इसको नाउन फॉर्म है। इसका मतलब है कि कोई कॉन्सिक्वेंस हो जाती है किसी चीज़ की, या फिर कोई आउटकम होता है, या फिर कोई अपशॉट होता है, यानी कि कोई घटना होती है, कोई भी चीज़ हो रही होती है जो उसके बाद जो उसका रिजल्ट निकल के आता है, जो उसका नतीजा निकल के आता है, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उस चीज़ के, उसको हम बोलते हैं aftermath या aftermath। जैसे कि aftermath ऑफ अ स्टोम या फिर aftermath ऑफ एन अर्थक्वेक। राइट, अर्थक्वेक जब आता है तो फिर उसका मतलब नतीजा क्या होता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, तो उसका aftermath होता है, मतलब उसका नतीजा होता है। पीपल अराउंड द वर्ल्ड वंडर्ड व्हाट द aftermath ऑफ चाइनास वायलेंट सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्ट वुड बी। मतलब लोगों ने ये सोचा कि जो चाइना इतनी बुरी तरह से स्टूडेंट को सप्रेस कर रहा था, उसका नतीजा क्या निकलेगा। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मींस आइटम्स ऑफ बिजनेस एट अ मीटिंग।
यानी कि जब आप किसी मीटिंग में होते हैं तो आप एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि हम इस इन इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, हम ये टॉपिक्स करेंगे डिस्कस, ओके। तो फिर वो आपका एजेंडा होता है, मतलब दैट इज़ द लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन अ मीटिंग, उसको बोलेंगे एजेंडा। वी हैड सो मच डिफिकल्टी अग्रीइंग अपॉन एन एजेंडा दैट दैट देयर वॉज वेरी लिटिल टाइम फॉर द मीटिंग। एजेंट, इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, पर्सन एक्टिंग इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी। इसको दो दो तीन तरह से ले सकते हैं। फर्स्ट तरीका है कि अगर कोई चीज़ किसी बात में सहायक हो, जैसे कि कुछ होने में वो चीज़ सहायक है, जैसे कि जो हवा है वो इन्फेक्शन के फैलने का की एजेंट है, यानी कि एक तरह से हवा मदद करती है इन्फेक्शन को फैलने में, ठीक है। जो एयरबॉर्न डिजीज होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो मतलब क्या है कि एयर एक तरह से उनकी एजेंट है, ओके। या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलिनेशन के टाइम जो बर्ड्स होती हैं वो कभी कभार जो मतलब जर्मिनेशन में मदद करते हैं, राइट। तो ऐसे में क्या है, जो बर्ड्स हैं वो आप एजेंट हैं जर्मिनेशन के प्रोसेस में या फिर पॉलिनेशन के प्रोसेस में, ठीक है। तो इसके आगे और क्या तरीके हो सकते हैं इसको देखने के, कि ऐसा इंसान जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ऐसे बोलते नहीं है कि मैं इनकी एजेंट हूँ, है ना, मतलब मैं इस कंपनी की एजेंट हूँ, मैं इनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राइट। एक ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी को रिप्रेजेंट करना है उसको भी एजेंट कहते हैं, ओके। आई विल बी द एजेंट ऑफ अमेरिकाज डिस्ट्रक्शन, मतलब मैं उनकी डिस्ट्रक्शन की सहायक होंगी, मैं उसमें मदद करूंगी। प्रोक्लेम दी बीडी आईड विलन हुज एजेंट हैड गॉटन हिम दी रोल, मतलब एजेंट अब इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि मतलब वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एजेंट वो भी होते हैं जैसे कि हीरो हीरोइंस के एजेंट होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस के जो उनको काम ला के देते हैं, वो भी एक एजेंट होते हैं। विद हिज फेस ही कुड नेवर हैव प्लेड द पार्ट ऑफ द हीरो, अ हेरोइक FBI एजेंट। नेक्स्ट देखते हैं अग्लोमरेशन, इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स कलेक्शन या हीप, ठीक है। जब कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है तो उस इकट्ठी हुई चीज़ को बोलते हैं एग्लोमरेशन, इकट्ठी हुई चीज़ यानी कि एग्लोमरेशन या फिर एग्लोमरेशन, ओके। इट्स बेटर प्रोनाउंसिएशन। इट टुक वीक्स टू सॉर्ट द एग्लोमरेशन ऑफ मिसलेनियस आइटम्स शी हैड कलेक्टेड ऑन हर ट्रिप। एग्रैंडाइज एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब किसी चीज़ को बड़ा कर देना, इंक्रीज या इंटेंसीफाई, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को कुछ बड़ा बना देते हो, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना देते हो, तो हम कहते हैं कि आपने उसको अग्रैंडाइज कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको आपको आपने एक प्लॉट ख़रीदा, फिर उस पर आपने सोचा तो था कि मैं सिर्फ मतलब मैं एक ग्राउंड फ्लोर बनाऊंगी और एक फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगी, लेकिन आपने बना दिए ऊपर एक्स्ट्रा दो फ्लोर्स और, तो इसके बाद आपने क्या किया, आपने उसको इंटेंसीफाई कर दिया, आपने उसको इंक्रीज कर दिया। दैट मीन्स यू हैव अग्रैंडाइज्ड योर प्लान्स, राइट। आपने उस प्रॉपर्टी को अग्रैंडाइज कर दिया, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट क्वार्टर सेंचुरी इलस्ट्रेट्स हाउ अ प्रेसिडेंट मे अग्रैंडाइज हिज पावर, यानी कि अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, टू एक्ट एग्रेसिवली इन इंटरनेशनल अफेयर्स विदाउट कंसिडरिंग द विशेज ऑफ कांग्रेस। एग्रीगेट, ये वर्ड तो सबको पता ही होता है, वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब है गैदर करना, किसी चीज़ को अक्यूमुलेट करना, मतलब कोई चीज़ का जब हम अक्यूमुलेशन उसका सार बता रहे होते हैं कि एग्रीगेट में ये आ रहा है। जैसे कि अब आपने मान लीजिए आपके 4 साल ऑफ ग्रेजुएशन है, उसमें आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, तो उस 8 सेमेस्टर के जितने भी मार्क्स हैं, जो आप उनको एवरेज निकाल के जो आप आंसर जो एक परसेंटेज निकलती है वो आपकी एग्रीगेट होती है, राइट। तो आपकी अक्यूमुलेशन होती है जब आप गैदर करके एक एक आंसर दे रहे होते, दैट मीन्स एग्रीगेट है, ठीक है। बिफोर द वॉल स्ट्रीट स्कैंडल्स डीलर्स इन सो कॉल्ड जंक बॉन्ड्स मैनेज टू एग्रीगेट ग्रेट वेल्थ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए इसमें एग्रीगेट उन्होंने किस तरह से यूज़ किया है कि उन्होंने दे मैनेज टू अक्यूमुलेट इट, इकट्ठा कर लिया, है ना, मतलब जब पैसे को इकट्ठा कर लिया उसको भी आप इस तरह से कह सकते हैं कि एग्रीगेट कर लिया, ठीक है, बहुत ही कम समय में। एग्रीगेशन नाउन फॉर्म है। एग्रेसर, इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स अटैकर, जो अटैक करता है, जो वायलेंस करता है, ठीक है, उसको बोलेंगे अग्रेसर, ठीक है। बिफोर यू पनिश बोथ बॉयज़ फॉर फाइटिंग सी वेदर यू कैन डिटर्मिन विच वन वॉज द अग्रेसर, मतलब आप दोनों को पनिश करने से पहले ये जान लें कि इन दोनों में से शुरुआत किसने की थी, अटैक किसने किया था।
अगास्ट इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म, इट मीन्स हॉरिफाइड, या फिर जब आप कुछ मतलब बुरी तरह से सरप्राइज हो जाते हैं, जब आप एकदम से दंग रह जाते हैं, आपको विश्वास नहीं होता कुछ बुरी चीज़ हो जाती, तो आप ऐसे दंग रह जाते हैं, तो उसको आप बोलेंगे कि यू आर अगास्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत गंदा सा आपने एक्सीडेंट देख लिया हाईवे पे, तो आप जिस तरह इसका आपका रिएक्शन आएगा उसको आप बोलोगे अगास्ट, यू आर अगास्ट यू नो सीइंग दी हॉरिफाइंग हॉरिफाइंग एक्सीडेंट। जब आप कोई हॉरिफाइंग एक्सीडेंट देखते हो यू आर अगास्ट, जब कोई आप बुरी घटना देखते हो तो यू आर अगास्ट। ही वॉज अगास्ट एट द नर्व ऑफ द स्पीकर हु हैड इंसल्टेड हिज होस्ट। इसका मतलब जान लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो दंग था कि उस स्पीकर मतलब स्पीकर की हिम्मत के ऊपर वो दंग था कि वो किस तरह से इंसल्ट कर रहा था। एजिलिटी नाउन फॉर्म में इट मीन्स निम्बलनेस, ठीक है, निम्बलनेस, या फिर उसको बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी को निम्बल भी कहते हैं, निम्बलनेस, ठीक है, जो मतलब लचीला हो उसको बोलेंगे कि वो एजाइल है। एजाइल एडजेक्टिव हो गया है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। द एजिलिटी ऑफ द एक्रोबैट अमेज्ड एंड थ्रिल्ड द ऑडियंस। एवरी करतब करने वाले की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी उसको देख के सब ऑडियंस दंग रह गई। एजिटेट इट्स अ वर्ब फॉर्म, इट मीन्स स्टरअप या फिर डिस्टर्ब। जब आप किसी चीज़ को डिस्टर्ब करते हो, ठीक है, या फिर आप उनको उकसाते हो, बढ़ावा देते हो, गुस्सा दिलाते हो, दैट मीन्स आप उनको एजिटेट कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप उनको एजिटेट कर रहे हो, आप उनको उकसा रहे हो, स्टरअप कर रहे हो। हर फियरी रिमार्क्स एजिटेटेड द ऑलरेडी एंग्री मॉब, यानी कि पहले से गुस्सा आया हुआ था भीड़ को, लेकिन उसकी बातें सुन के और मतलब वो उकसा दिया गया उनको, राइट, और उनको और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया गया, तो क्या कर दिया, क्या उनको एजिटेट किया। एग्नोस्टिक इट्स अ नाउन फॉर्म, वन हु इज स्केप्टिकल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नोएबिलिटी ऑफ अ गॉड और एनी अल्टीमेट रियलिटी। मतलब कि एग्नोस्टिक वो इंसान होता है जो ना तो ये मानता है कि भगवान है, ना तो ये मानता है कि भगवान नहीं है। वो ये कहता है कि मैं इन द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं अभी ढूंढ रही हूँ कि क्या भगवान है या नहीं है, मैं अभी टेस्ट कर रही हूँ। ओके मतलब वो अभी उसका डिसीजन आया नहीं है पक्का कि भगवान है या नहीं है, वो भी देख रहा है, वो खोज रहा है। मतलब दैट पर्सन इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट, तो वो क्या हो गया, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक से वी कैन नाइदर प्रूव नॉर डिसप्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वी सिंपली जस्ट कांट नो। मतलब वो कहते हैं कि हम नहीं जान सकते कि भगवान है या नहीं, हमको नहीं पता। ऑल्सो एडजेक्टिव फॉर्म में ये, मतलब जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं ऐसी हूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ कि भगवान है या नहीं है, तो मतलब मैं एग्नोस्टिक हूँ। एग्रेरियन इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म, इसका मतलब कुछ भी कल्टीवेशन से रिलेटेड, कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कुछ भी कोई बात होगी ना पर्टेनिंग टू लैंड और इट्स कल्टीवेशन, तो वो क्या होगा, एग्रेरियन। मतलब कुछ भी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हाँ, कोई भी किसानी से रिलेटेड कुछ भी बात होगी तो उसको हम बोलेंगे अग्रेरियन। दी कंट्री इज ग्रेजुअली लूजिंग इट्स अग्रेरियन ऑक्यूपेशन, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन थी उसको धीरे धीरे हम खो रहे हैं, एंड टर्निंग मोर एंड मोर टू एन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। एलैक्रिटी इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स चीयरफुल प्रॉम्प्टनेस। मतलब जो बहुत ही अपबीट इंसान होता है, बहुत ही चेयरफुल खुश मिजाज इंसान होता है, जो हमेशा मतलब एनर्जी में रहता है और हमेशा खुश रहता है, उसको हम बोलते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एलैक्रिटी है। फिल एंड डेव वर रेयरिंग टू गेट ऑफ टू द माउंटेन्स, दे पैक्ड अप देयर स्काई सॉरी स्की गियर एंड क्लाइंब इन टू द वैन विद एलैक्रिटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एल्कमी इज अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स मिडीवल केमिस्ट्री। जो वैद होते थे पुराने जमाने में, उनको एल्कमी भी कहते हैं, वैद मतलब एल्कमी, जो मतलब जड़ी बूटियों के साथ काम करते थे। द चेंजिंग ऑफ बेजर मेटल्स इन टू गोल्ड वॉज द गोल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एल्कमी। एल्कमिस्ट नाउन फॉर्म है। एल्कोव इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स कोई भी कोना, नूक, स्मॉल रिसेस रिसेस्ड सेक्शन ऑफ अ रूम। कोई भी कमरे का कोई कोना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसका एल्कोव है। कोई भी कोना ले लीजिए, ठीक है। दो द अपार्टमेंट लाइक द फुल स्केल डाइनिंग रूम एंड एल्कोव एडजेसेंट टू द लिविंग रूम मेड एन एडिक्वेट ब्रेकफास्ट नूक फॉर द यंग कपल।
ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड्स की सीरीज ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। अभी नेक्स्ट लेके आएंगे कल, आप यहाँ तक पढ़ें। आई होप आपको ये सारे के सारे वर्ड समझ आए होंगे। रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।